हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो एक महीने से लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डेली 5% के अपर सर्किट में ही क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक जो है आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है। और जब ये लगभग ₹7-6 पर ट्रेड कर रहा था, उस टाइम मैंने रिकमेंड किया था कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और अभी वही शेयर जो है 100% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है आपको एक महीने में दे चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही अपडेट्स आपको हर रोज़ मिलती रहेंगी। उस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बाज़ार की बात करेंगे। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो लगातार 3 दिन से गिरावट हो ही रही है निफ्टी 50 में। और BSE सेंसेक्स में देखें तो लगभग 0.40% की गिरावट दोनों में हमें आज देखने को मिली है। पिछली क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 17,222 पॉइंट्स पे थी निफ्टी 50 और आज की क्लोजिंग 17,153 पे है। वहीं अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो इसमें भी लगभग 0.41% की गिरावट जो देखने को मिली है। पिछली क्लोजिंग 57,595 पॉइंट्स पे थी और आज की क्लोजिंग 57,362 पॉइंट्स पे है। अब चलिए उस शेयर के बारे में बात करते हैं जो आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर बात करें क्रेसेंडा सॉल्यूशंस की, जो हर दिन आपको 4.94 यानी कि लगभग 5% के अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट एक मंथ से। अभी फ़िलहाल जो है ₹16.35 पे आज की क्लोजिंग हुई है। पिछली क्लोजिंग ₹15.58 पे थी। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 496 यानी कि लगभग 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर पीई रेशो की बात करें तो लगभग 9,969.51 का पीई रेशो है, जो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, यानी कि कंपनी जो है ओवर वैल्यूड हो रही है अब इस टाइम, क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है डेली इंक्रीज होता जा रहा है। अगर इस शेयर की बात करें तो लगभग आज 77 पैसे की बढ़त के साथ ₹16.35 पे आके क्लोजिंग दी है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो देखिए 120% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है अभी तक दे चुका है, यानी कि ₹16.35 पे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। और जब ये ₹7 का था तब मैंने रिकमेंड किया था, और वहीं देखिए ₹8.93 की बढ़त के साथ आज ₹16.35 पे ट्रेडिंग कर रहा है। अगर कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो देखिए आज की जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो बहुत ही कमाल के नंबर्स हैं। लगभग 26,34,000 शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। अगर पीई रेशो की बात करें तो 42.03, पीबी रेशो 20.44 और बुक वैल्यू पर शेयर 0.80 का है। फेस वैल्यू जो है वो 1 की है, क्योंकि देखिए अभी तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है और पिछले एक महीने से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स अभी भी दे सकता है आपको। अगर टारगेट की बात करें कंपनी की तो टारगेट जो है लगभग ₹25 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट जो है अभी धीरे धीरे ये स्टॉक डेली अपर सर्किट में ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो हो चुकी है। अगर एडवांस चार्ट की बात करें तो देखिए डेली वॉल्यूम जो है बहुत ही हैवी क्वांटिटी में वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 25-26 लाख शेयर्स की वॉल्यूम ट्रेड हो रही है हर रोज़। अगर RSI लेवल की बात करें तो 93 के अराउंड है, वो भी ऑटोमेटिक जो है अभी शेयर बढ़ता जा रहा है, तो वो भी कंसोलिडेशन में आ रहा है। और जितना कंसोलिडेशन में रहेगा RSI लेवल उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा ये स्टॉक। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, तीनों सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज की डेट में ये स्टॉक। अगर प्राइस वॉल्यूम की बात करें तो एक वीक में 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स और एक मंथ में 120% के पॉजिटिव रिटर्न्स और एक साल में 3,000% और 3 साल में 5,000% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है ये स्टॉक अभी तक दे चुका है। देखिए कल की बात करें तो 30 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिला था और 30 लाख शेयर्स की ही डिलीवरी उठाई गई थी। अगर एक वीक की भी बात करें तो 30 लाख शेयर्स की एवरेज डिलीवरी हो रही है और उठाई जा रही है, यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक महीने से। और अगर देखिए एडवांस चार्ट की बात करें तो ये ₹7 का जो इसका रेजिस्टेंस था उसको 2 बार तोड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन फिर से बैक डाउन आ रहा था और थर्ड टाइम जो है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अभी ₹16.35 पे पहुंच गया है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो ₹25 का निकल के आ रहा है। अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।